नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं अगर आप पुराने छात्र हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे, अन्यथा कंडीशन में आप देखिए। और यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। जैसा कि मैं बता दूं, आपके जो यह क्लास में करा रहा हूँ जीके जीएस और करंट अफेयर का, अभी जीके का ही चल रहा है, जीके जीएस का ही चलेगा, क्योंकि आपके जो मैं टारगेट किया हूँ आपके सुपर टेट केवीएस और प्लस जो भी अनेक एग्जाम होते हैं पीसीएस बड़े लेवल का, उसका मैं टारगेट किया हूँ। ज़्यादातर के इसमें जो मैं सोल्यूशन क्रम से करा रहा हूँ या सुपर टेट के बेस पर मैं करा रहा हूँ, सुपर टेट के सिलेबस के अनुसार करा रहा हूँ। मैक्सिमम कुछ चीज़ें मैं अलग से भी जोड़ने का प्रयास करूँगा, तो धीरे धीरे मुझे चलने दीजिए। आप सभी इस वीडियो को बहुत ही गौर से अच्छे से नोट्स बनाते हुए प्रिपेयर करते चलिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाले हैं हम, आपके हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे यहाँ पे। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है चौथा, सौर्य प्रणाली, यानी कि सौर्य मंडल, यानी कि आपका सोलर सिस्टम, ठीक है, जिसे हम लोग सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। यह चीज़ें अपने दिमाग में रखना है। चलिए, क्या होता है तो आपको पता है, होता है सूर्य। सूर्य के चारों ओर ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को हम सोलर सिस्टम यानी कि सौर्य मंडल कहते हैं, सौर्य प्रणाली कहते हैं। इसमें आपके ग्रह भी आएंगे, जो ग्रह हैं आठों के आठों, एक में नौवां ग्रह था जो बौना ग्रह के श्रेणी में आ गया, उसको हटा दिया गया बाद में, नौवें नंबर का, उसे 2006 के बाद उसे नहीं, मतलब इंक्लूड ही नहीं किया गया। प्लूटो भी उसे कहा जाता है, उसे यम भी कहते हैं कई लोग, तो उसको निकाल दिया गया भाई, क्योंकि वह दूसरे ग्रह के जो कक्षा था ना उसमें आ जा रहा था, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया, भाई तुम ग्रह की श्रेणी में नहीं आओगे, तुम ग्रह के मानव दंड को पूरा नहीं कर पाते हो, इस वजह से तुम ग्रह की श्रेणी से बाहर रहो, तुम बौने ग्रह की श्रेणी में रहोगे, तो उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। फिलहाल में कुछ और भी चर्चा चल रहा है कि उसे फिर से ग्रह की श्रेणी में लाया जाएगा, तो लाया जाएगा तो करंट के माध्यम से अपडेट हो जाओगे आप, ठीक है। तो यह चीज़ें मैं हम देख पा रहे हैं, यह चीज़ें आपके सामने हैं, तो यह चीज़ें आपको याद करने हैं। आपके ग्रह कितने हैं? आठ हैं टोटल, आपका सौर प्रणाली है और सूर्य के चारों तरफ यह आठों के आठों ग्रह क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, यानी कि रिवॉल्यूशन करते हैं। रिवॉल्यूशन और रोटेशन दो चीज़ होता है। अगर ग्रह अपने एक्सिस पर ही रोटेट करे, घूमे, तो उससे हमारा दिन और रात होता है। जैसे मैं पृथ्वी की बात कर लूँ पर्टिकुलर एक ग्रह का, तो अगर अपने अक्ष पे घूमता है तो दिन और रात होता है। लेकिन अगर वही ग्रह, जैसे आप किसी मंदिर पे जाते हो तो चारों तरफ चक्कर लगाते हो, परिक्रमा करते हो, तो अगर वही ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण काल करे, मतलब परिक्रमण करे, घूमे चारों तरफ, तो उसे मौसम चेंज होते हैं, ऋतुएँ चेंज होती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे पहले। तो अब आपको ये याद रखने हैं आपके कितने ग्रह हैं सौर प्रणाली में, तो आठ ग्रह हैं सौर प्रणाली में। सबके नाम याद कर लो पहले, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से आपने याद कर लिया। और बुध को क्या कहेंगे? मरकरी कहेंगे। शुक्र को क्या कहेंगे? यूरेनस कहेंगे। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहेंगे, जुपिटर यह हो गया आपका, सैटर्न हो गया, फिर इसके बाद यूरेनस हो गया, फिर नेपच्यून हो गया, इस तरह इंग्लिश नाम भी याद रखोगे। अब आपसे पूछ लेता है कि सूरज से बढ़ते हुए क्रम में बता दो, तो आप ऐसे याद रखोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस तरह क्रम से याद रखोगे। बोल देगा सूरज से पांचवें नंबर का ग्रह, मतलब ग्रह कौन सा है, सन से अगर देखें तो पांचवें नंबर का ग्रह बृहस्पति, छठे नंबर का, ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो ऐसे क्रम से याद रखने हैं सबको, ठीक है, हाथ पे दो तीन बार रिवाइज कर लेना, लिख लेना इसको, मैक्सिमम बच्चों को याद भी होगा। इसके बाद आपसे पूछ लेता है बड़े से छोटे क्रम में सजाओ, सबसे बड़ा ग्रह इसमें से कौन है, अपने स्वरूप में सबसे बड़ा ग्रह, याद रखना, देखना पांच नंबर, मैं जिस पे नंबरिंग किया हूँ उस नंबरिंग को ऐसे लिखता हूँ, पांच नंबर सबसे बड़ा यानी कि जुपिटर सबसे बड़ा होगा, फिर छः नंबर आ जाता है, फिर उसके बाद कौन सा, सात नंबर आता है, फिर उसके बाद आता है आठ नंबर, फिर उसके बाद हमारा अर्थ आ जाता है तीन नंबर, फिर इसके बाद आ जाता है दो नंबर, शुक्र आ जाता है दो नंबर, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर, मतलब कि नेक्स्ट चौथा नंबर, फिर सबसे छोटा होता है एक, यानी कि आपका बुध ग्रह, यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, फिर शनि ग्रह, फिर अरुण, फिर वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून, फिर उसके बाद हमारा पृथ्वी, फिर उसके बाद आपका शुक्र ग्रह, फिर उसके बाद आपका मंगल ग्रह, फिर उसके बाद आपका बुध ग्रह। यह तो बड़े से छोटे क्रम में हो गए, जो कि आपको याद ही रखने हैं, यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखना। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा, अभी फिलहाल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। तो क्या बोलेगा, एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो बताना है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लैनेट हैं, मतलब प्लैनेट से टूटे टूटे भाग हैं,
जैसे कि आपका पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रहा है, अभी बताऊंगा 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रहा है पृथ्वी हमारा, तो भी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, कंफर्म करता हुआ चलूंगा, कुछ गलत बोल दिया हूं तो उसको भी सुधारूंगा। तो यह चीज़ें मतलब इसके बीच में क्या होगा, एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, बौना नहीं क्षुद्र ग्रह कहते हैं, याद रखना भाई, ठीक है ना। उल्का और दूसरा, उल्का और क्षुद्र और धूमकेतु में बहुत ज़्यादा अंतर है, याद रखना। उल्का पिंड का मतलब समझते हो, जो उल्का पिंड होते हैं, जैसे कि जो गिरता रहता है आपका, तो चमकदार तारा है, मांग लो कुछ वर मिल जाएगा, तो उल्का पिंड होता है। हमारे इन्वायरमेंट में गैस की मात्रा है, मतलब ऑक्सीजन है, जैसे ही उल्का पिंड कोई ऑक्सीजन के अंदर आ जाता है तुरंत जलने लगता है, क्योंकि कोई भी आग वगैरह लगती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही लगता है, समझ रहे हो ना। तो जैसे ही ऑक्सीजन आपने हटाना है तुरंत आपका वो आग बुझ जाना है, जैसे किसी कमरे में आग लगाओ तो नहीं लगेगा, मतलब बंद कमरे में अगर आप सोचोगे कि कोई उसमें से हवा निकाल लूँ उसमें आग लगाऊँ तो नहीं लगेगा। जैसे ही आप सोचते हो कि मैं जलती हुई लकड़ी को किसी डब्बे में बंद कर दूँ तो देखते हो तुरंत बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उसे, तो वो बुझ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इससे वो बुझ जाता है ना। यह चीज़ याद रखना है, तो आपको याद हो गया होगा एस्टेरॉयड बेल्ट। और याद रख लेना, इसे कहते हैं इनर प्लैनेट एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर, और इसे कहते हैं आउटर प्लैनेट बाह्य ग्रह, इसे अंतर्ग्रह बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता अंतर्ग्रह और बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है, तो बता देना, ठीक है ना। हो गया सारी चीज़ें, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। एक एक चीज, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, तो बता दोगे कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। और ग्रहों की गति का खोज किसने किया था, तो बता देंगे कैपलर ने किया था। ग्रहों की गति का खोज, ग्रहों कैसे चक्कर लगाते हैं सूर्य की तरफ, सूर्य के चारों तरफ, तो एलिप्टिकल कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मतलब कि कैसे लगाते हैं, अगर यह सन है तो सन के चारों तरफ कोई भी ग्रह ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक है ना, ऐसे चक्कर लगाता है। तो इसी पे कैपलर के तीन नियम बने हैं फिजिक्स में, तो उसको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, वह चीज़ें फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा। तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया है। ग्रहों की गति का जो नियम दिया था कैपलर ने दिया है, तो कैपलर पे ही आ जाता है तीन नियम। तो यह फिजिक्स का चैप्टर है, अब आगे आ जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक एक चीज़, पहले सन के बारे में, फिर एक एक करके सबके बारे में बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। सूरज, सन के बारे में, पहले सन के बारे में नोट करिएगा, सन पृथ्वी का सर्वाधिक निकट तारा है, निकटतम तारा है। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। और याद रखना, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य के अंदर 71% कितना, 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है। 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26.5% जो है आपका क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, और 2.5% के आसपास में अदर गैसेस पाए जाते हैं, अदर गैस याद रखना, मेथेन वगैरह सब, तो अदर गैस पाए जाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेना, पूछ लेता है सबसे अधिक गैस कौन से पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं, और सबसे उसके बाद दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है 26.5, ठीक है ना। सूर्य का जो चमकता हुआ भाग बाहर का होता है उसे कोरोना कहते हैं, जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो चमकता हुआ सिर्फ भाग होता है उसका। सूर्य के पास एनर्जी कहाँ से आता है, तो बता दें नाभिकीय संलयन से बनता है। इसके केंद्र में नाभिकों का विघटन होता रहता है, नाभिकों का जुड़ना और टूटना होता रहता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण इसके पास एनर्जी होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा, ठीक है, इसके पास एनर्जी बनती रहती है। सूर्य लगातार अवरक्त किरणों, परावैगनी किरणों, एक्स रेज, गामा रेज है ना, जिसे हम वाई रेज के भी नाम से जानते हैं, गामा रेज हो गया, और इसके बाद रेडियो तरंगों को छोड़ता रहता है, पृथ्वी पर उत्सर्जित करता रहता है, जिससे कि अगर पृथ्वी पर डायरेक्टली वो आ जाए तो मैक्सिमम हानि पहुंचा सकता है। जैसे कि परावैगनी किरणों को रोकने के लिए हम बीच में क्या लगा दिए हैं, चादर नुमा आकृति लगा दिए हैं, वहाँ पर जैसे ही आता है वह ओजोन परत होता है उसको रोक लेता है, फिर नीचे नहीं आने देता है, जिससे कि हमारे स्किन कैंसर हो गए, चर्म से रिलेटेड बहुत बीमारियां होंगी जो कि नहीं होती हैं, ठीक है। अब आप देखते होंगे सूरज पर काले धब्बे पाए जाते हैं, जो क्यों पाए जाते हैं, क्या होता है वह, तो बता दोगे काले धब्बे वैसे जगह होते हैं जो सन में, जो सूरज में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं, तो उसे कहते हैं काले धब्बे पाए जाते हैं। चंदा मामा पे आप देखते हो कभी रोटी बनी हुई दिखाई देती है, कभी भारत का नक्शा दिखाई देता है, कभी कोई खेलता हुआ दिखाई देता है, तो वह वैसे भाग होते हैं जो कि ऊर्जा का मतलब प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से काले काले दिखाई देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, सूरज से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह पृथ्वी पर कितने समय पहुंच जाती हैं, तो बता देना 8 मिनट 16 सेकंड पहुंच जाती हैं। कहीं कहीं लिखा होगा 500 सेकंड
500 सेकंड का मतलब 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड को बदल लो 8 × 48 480 सेकंड और प्लस 20 जोड़ लो तो 500 सेकंड, तो 500 सेकंड भी सही है। 8 मिनट 16 सेकंड एनसीईआरटी का सही है और 8 मिनट 20 सेकंड घलुआ फलुआ किताब जो होंगे उसके सही हैं, तो याद रख लेना, ठीक है ना। ये चाहिए, अगर आपसे पूछता है जो चंदा मामा है उसके कितने सेकंड में आता है, तो 2 मिनट 40 सेकंड में आता है या फिर 2 मिनट 30 सेकंड में आ जाता है, ये चीज़ें भी याद रखेंगे आप। अब हम आ जाते हैं दूसरा, बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, बुध ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं, बुध ग्रह के बारे में ध्यान से सुनेंगे फिर उसके बाद शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। बुध ग्रह यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, हमने जैसे बताया आपको यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है, यह बात भी याद रखेंगे, ठीक है ना। यह पूरा का पूरा अगर देखा जाए या सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण इस पर दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर बहुत कम होता है। दिन का टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सोच लीजिए, और जो रात का टेम्परेचर होता है माइनस का 173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब तुरंत का तुरंत पानी गिराओ एक बूंद तुरंत बर्फ, समझ रहे हो, तुरंत कड़ाका बर्फ हो जाएगा, हाथ से दबाओगे तब भी बहुत कड़ा लगेगा बेटा। इसके बाद यह सूरज का जो चक्कर है ना सबसे कम दिन में, पूरे ग्रहों में सबसे कम दिन में चक्कर ले लेता है, परिक्रमा कर लेता है, मात्र 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, परिक्रमण कर लेता है सूरज का। तो आपसे पूछा जाता है मेरे सौर प्रणाली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूरज का सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है, तो बता दोगे आप बुध ग्रह है, पूरा 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। और यह एक ऐसा ग्रह है, यह और यह दोनों एक ऐसे ग्रह हैं जो दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह यानी कि जैसे कि अर्थ के पास मून है, इस प्रकार से इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, समझ में आ गया, यानी कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, दोनों ग्रह ऐसे हैं जो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब आते हैं शुक्र की तरफ, शुक्र सन से दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका अधिक है, यह चीज़ें दिमाग में रख लेना। और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह मंगल नहीं है, कौन है, शुक्र है, फिर उसके बाद मंगल है, इस बात को याद रखना आप, ठीक है ना, जो पूछा जाता है आपसे। और सौर प्रणाली में सबसे चमकीला ग्रह भी इसी को कहते हैं, पूरे सौर प्रणाली में चमकीला होने के कारण इसे हम लोग सबसे तप्त भी कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है ना। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ लगाती है, इस वजह से इस पे जो सूरज दिखाई देते हैं, सूरज उगते जो हैं इस पे पश्चिम से उगते हैं और पूरब में अस्त होते हैं। हमारे पूरे सौर प्रणाली में दो ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर मतलब जिसकी जिस पर जो कि सूरज की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं, यानी कि उस पे जो है सूरज उगते हैं पश्चिम से और डूबते हैं पूरब में, अर्थ का कंपेयर करें तो ऐसे दो ग्रह अरुण हैं और शुक्र है, यानी कि यूरेनस है और वीनस है, यह वीनस है बेटा, यह वीनस है और वह यूरेनस है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना, यह चीज़ें आपको दिमाग में रख लेना है। इसके बाद इस ग्रह को जो शुक्र ग्रह है इसे अर्थ ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ के समान इसका रेडियस होता है, अर्थ के बिल्कुल बराबर है इसका रेडियस, इसे अर्थ ट्विन भी कहते हैं, अर्थ का मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा मतलब सांझ का तारा भी इसे कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। यह आकार और घनत्व में बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ पर वायुमंडल, इसके वायुमंडल में कह लीजिए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होता है, CO2 यानी कि 92% है और नाइट्रोजन 3.5% है, इस वजह से यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होगा, ठीक है बच्चा। आ जाते हैं पृथ्वी की तरफ, अपने पूरे सौर प्रणाली का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पर है, यहाँ पर सारी चीज़ें सारी सुविधाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पृथ्वी का व्यास जो है विश्वती व्यास, जो पृथ्वी का विश्वती व्यास है, अगर मैं बात करूँ ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का विश्वती व्यास यह वाला और ध्रुवी व्यास यह वाला, पृथ्वी के विश्वती व्यास 12,174 किलोमीटर, कितना 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर यह है और यह वाला जो है 12,756 किलोमीटर, दोनों का अंतर कर लेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा 4। तो आपसे पूछ लेता है पृथ्वी के विषुवती व्यास और पृथ्वी के ध्रुवी व्यास के बीच का डिफरेंस बता दो, तो 42 किलोमीटर, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया भाई, इस बार हमें लगता है सुपर टेट में ज़रूर आएगा, तो याद कर लेना कितना है 42 किलोमीटर, 42 क्या लगभग 43, हाँ 43 समझ जाना, लगभग 43-42 जो भी होगा, 42-43 दोनों दिया रहेगा तो 43 लगा देना। इसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष तल पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से यहाँ पर मौसम ऋतु परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो पूरब में मतलब पूरब में आपका सन उगता है और पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, तो पूरब में सन उगता है और पश्चिम में डूबता है भाई, ये चीज़ याद रखना। 27 किलोमीटर पर मिनट, सेकंड नहीं भाई, हमने सेकंड बोला था, 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से गति करती है, घूमती रहती है अपने एक्सिस पर, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है भाई।
सॉरी सूरज के चारों तरफ 27 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से घूम रही है। और यह एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेती है, एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेती है अपने ही अक्ष का, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में यह चक्कर लगा लेती है। ये चीज़ याद रखना। इसके पास एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमामा कहते हैं, मून कहते हैं। और यह पृथ्वी से जो मून है ना, जो चंद्रमामा है, पृथ्वी से कितना परसेंट, इसका सतह कितना परसेंट दिखाई देता है, तो पूरे सतह का, चंद्रमा के पूरा 100% का वह 59% ही दिखाई देता है। सबसे अजीब बात मैं बता दूं आपको, जो आपका 886,700 के आसपास में वो डिस्टेंस है चंद्रमामा का, तो जो चंद्रमामा जिस हिसाब से घूमते हैं ना, जिस एक्सिस पे, उसी एक्सिस से पृथ्वी घूमता है। तो जिस तरफ वाले से यह इधर व्यक्ति को ही है, तो इधर चंद्रमामा होते हैं, तो इधर वाले व्यक्ति को चंद्रमामा दिखाई देते हैं, ऐसे होता है। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें होती हैं। तो समझ में आया। अब पृथ्वी देखिए 365 दिन में पूरा चक्कर लगाती है, पूरा सौर मतलब सूरज का पूरा 365 दिन में चक्कर लगाती है, वो भी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। हमने क्या बोला, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में यह पूरा चक्कर लगाती है पृथ्वी, किसका, सूरज का। जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड देख रहे हो ना, लगभग 6 घंटे, यह हर 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, 6 चौका 24, यही बना देता है लीप वर्ष। यानी कि 4 साल बाद पृथ्वी पर लीप वर्ष देखने को मिलता है, 366 दिन होते हैं एक वर्ष में, वही चीज़, ठीक है ना। जो 28 जो 29 जो हमारी फरवरी होता है वो 29 का होने लगता है 28 से, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आगे। पृथ्वी के झुकने के कारण यहाँ पर मौसम परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर सर्वाइव करने की बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा कष्टदायी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। अब सबसे नज़दीक का ग्रह अगर पूछा जाता है, सबसे नज़दीकी चमकीला ग्रह सॉरी तारा कौन सा है, सबसे नज़दीकी चमकीला तारा कौन सा है, जैसे सूरज सबसे नज़दीकी तारा है, लेकिन सबसे नज़दीकी चमकीला तारा पृथ्वी के, तो बता दोगे साइरस या फिर डॉग स्टार, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। इसके बाद पूछा जाता है सूर्य पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, और मैक्सिमम दूरी मतलब कि मैक्सिमम दूरी कब होती है, और न्यूनतम यानी कि मिनिमम दूरी कब होती है, तो बता देना यह बहुत बार पूछा गया भाई, 4 जुलाई को उपसौर होता है, यानी कि 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होता है हमारा पृथ्वी सूरज से, याद रखना कब, 4 जुलाई को। जुलाई देखो पहले आता है, सॉरी जुलाई बाद में आता है, जनवरी के बाद में जुलाई आता है, तो जब वर्ष शुरू होता है जब वर्ष, तो पहले जनवरी आता है, तो न्यूनतम दूरी मतलब कि जनवरी में, फिर उसके बाद अधिकतम दूरी 4 जुलाई, इस तरह से 4 बाद में आता है, तो 4 बड़ा हो गया, तो अधिकतम दूरी बड़े 4 जुलाई के दिन, और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी के दिन, यह बात याद रखना। न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। अब दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का, दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था, उत्तरी ध्रुव का खोज पूछा गया है भाई। दक्षिणी ध्रुव का खोज एमंड सेन ने किया था, लिख लीजिए, और उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरी ने किया है उत्तरी ध्रुव का खोज, और दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया है, एमंड सेन ने किया है भाई, यह चीज़ याद रखना। पृथ्वी की पूरे परिक्रमण काल में अगर मैं बात करूँ, पूरे परिक्रमण चाल सूर्य के सबसे मतलब एक तरह से कह लीजिए सबसे नज़दीक, मतलब सारे के मैं बात करूँ, अगर इस प्रकार से सूरज चल रहा है, मतलब सॉरी पृथ्वी चल रही है, ऐसे देखना यहाँ पर सन है, और पूरा का पूरा इस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी चलते चलते आई, अब यहाँ पे आई तो सन के ज़्यादा पास हुई, तो सन के ज़्यादा पास वाले, जैसे ही पृथ्वी सन के पास आई, उसका स्पीड तेज़ हो जाता है बढ़ने का, यह चीज़, मतलब कि अगर सूर्य के ज़्यादा पास है पृथ्वी, तो उसकी परिक्रमण काल थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। यह बात आपसे पूछा गया है किसी एक एग्जाम में, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है बच्चा, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब हमने पृथ्वी के बारे में भी देख लिया, अब मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण बहुत छोटे से हैं, बस आराम आराम से देखते चलो। मंगल ग्रह के बारे में, इसे लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष पर भी झुका हुआ है, इसमें से कहा जाता है पृथ्वी के बाद रहने योग्य ग्रह कौन सा होगा, मंगल होगा। तो मंगलयान वगैरह अलग अलग ग्रह देख रहे हो, सब भेज दे रहे हैं अपना, तो पृथ्वी के समान रहने योग्य ग्रह एकमात्र है कौन सा, मंगल है, आपसे पूछ ले, क्योंकि यह पृथ्वी के समान अपनी अक्ष पर 25 डिग्री पर झुका हुआ है, और इसमें भी ऋतुएं परिवर्तन होती रहती हैं। यह ग्रह वायुमंडल का सबसे पतला आवरण रखता है, इससे और भी थोड़ा सा बढ़ जाता है कि भाई हाँ यहाँ पर रहने योग्य जगह है। यहाँ पर नाइट्रोजन उतना ही पाया जाता है जितना पृथ्वी पर पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर सबसे कम आर्गन पाया जाता है, जो कि अक्रिय गैस होते हैं, और यहाँ भी आर्गन पाया जाता है, तो आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना है मंगल, याद रखेंगे। यहाँ पर मेथेन गैस की मात्रा भी देखने को मिलती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से भाई,
एक है फोबोस, एक है डिमोस। डिमोस जो है मंगल का सबसे छोटा उपग्रह तो है ही है, पूरे सौर प्रणाली का भी सबसे छोटा उपग्रह अगर आपसे पूछे तो मंगल का उपग्रह डिमोस बता देंगे, फोबोस और डिमोस। ठीक है, डिमोस सबसे छोटा उपग्रह पूरे सौर प्रणाली का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, याद रखना सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, क्या नाम है लिख लेना, ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी किस पर स्थित है, इस मंगल ग्रह पर स्थित है, याद रखना। और सौर प्रणाली का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि जो आपका एवरेस्ट है ना उससे 3 गुना ज्यादा, मिक्स ओलंपिया, क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया यह पर्वतमाला है भाई, ओलंपिया यह आपके जो एवरेस्ट है उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है, किस पे स्थित है, यह भी मंगल पे स्थित है। और ओलंपिया मेसी, ओलंपियस मेसी यह आपका ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर स्थित, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूरे सौर प्रणाली का, कहाँ पर स्थित है भाई, मंगल ग्रह पर स्थित है। अब आ जाते हैं बृहस्पति के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति पूरे सौर प्रणाली का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमता है यानी 10 घंटे में यह अपने पूरे अक्ष पर घूम जाता है, सोच लो। और 12 साल में यह सूरज का चक्कर लगाता है। यहाँ पर गैस का पूरा आवरण पाया जाता है, यह पूरा गैस और द्रव से बना हुआ है यानी कि यहाँ पर ठोस का कोई भी अंश नहीं है, यहाँ पर ठोस भूमि का तनिक भी अभाव नहीं है, यह चीज़ें समझ लेना, यहाँ पर कोई रह ही नहीं पाएगा भाई, समझ गए ना। यहाँ पर एक तरह से कहा जाता है कि भाई यह सबसे बड़ा उपग्रह है ना, यह एक तरह से कह लीजिए कि इसके बहुत सारे मतलब जो इसके मतलब इसका ग्रह सबसे बड़ा है, अगर देखा जाए इसके सबसे बड़ा उपग्रह भी हैं, इसके लगभग अभी तक देखें तो 79 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। तो गैनिमेड नाम का, जैसे कि सबसे छोटा उपग्रह डिमोस था पूरे सौर प्रणाली का जो कि मंगल का था, इसी प्रकार से पूरे सौर प्रणाली का सबसे बड़ा उपग्रह और बृहस्पति के भी सबसे बड़े उपग्रह में से एक लौता, क्या नाम है, गैनिमेड। इसके सबसे बड़े उपग्रह में बहुत सारे आते हैं, जैसे गैनिमेड हो गया, कैलिस्टो हो गया, आयो हो गया, आयो जिसे बोलते हैं, जैसे यूरोपा हो गया, ये सब बड़े उपग्रह में आते हैं। इस तरह 80 यानी 81 या फिर 80 के आसपास में इसके उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अभी इस दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल में करंट में सबसे ज़्यादा किसके पास है, शनि के पास है। ठीक है, और सभी ग्रहों में मैं बात कर लूँ यह सबसे अधिक मतलब समझ रहे हो सबसे ज़्यादा रोटेशन रखने वाला है, 10 घंटे में ही कंप्लीट कर लेता है भाई रोटेशन, हमारा पृथ्वी 24 घंटे लगाती है, सोच लो इसमें 10 घंटे मतलब बहुत तेज़ी से घूमता है। और सूर्य का 12 वर्ष में लगाता है चक्कर। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट भी पाया जाता है, हमने आपको बताया मंगल और या इनर प्लैनेट है या आउटर प्लैनेट है, उनके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों से बने होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह यह ग्रह एक इस ग्रह की एक विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ एक प्रकाश का कुंडली पाया जाता है ना, प्रकाश वलय पाया जाता है जो कि 7 प्रकाश वलय मतलब 7 प्रकाश रिंग से बल के बना होता है बेटा। इसके पास भी एक मतलब इसके पास भी शनि का जो उपग्रह है एक, याद रखना टाइटन है, तो बहुत सारे उपग्रह लेकिन एक याद रखना टाइटन, जो इस पे 7 वलय का खोज किया गया था शनि पे, ये किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था, यह बात भी याद रखना है आपको, बस इतनी बात याद रखने हैं। इसके बाद आ जाते हैं यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरुण, अरुण है ना, यूरेनस मतलब कि अरुण। शुक्र, शुक्र के एक तरह से कह लीजिए शुक्र की भांति यह भी परिक्रमण कैसे करता है, पश्चिम से पूरब, सॉरी पूरब से पश्चिम की तरफ करता है परिक्रमण, जिससे कि यहाँ पे सन जो उगते हैं यह पूरब सॉरी पश्चिम और डूबता है पूरब में सन, यह बात याद रख लेना भाई। यह अपने धुरी पर इतना ज़्यादा झुका है इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, यह चीज़ें आपको याद रखना है। यह पूछा जाता है आपसे, इसमें मीथेन की अधिकता पाई जाती है, मीथेन की अधिकता पाई जाती है, यह बात आप याद रखेंगे है ना, यह बहुत बार पूछा गया है, इसका वायुमंडल पूरा मीथेन का बना हुआ है, ठीक है ना। और जो आपका वरुण है, वरुण आ जाओ, वरुण को हरे ग्रह के नाम से जानते हैं, वरुण को किस ग्रह के नाम से जानते हैं, हरे ग्रह के नाम से जानते हैं वरुण को, जो कि बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसका आवरण पे मैक्सिमम मीथेन की गैस पाई जाती है, इसका पूरा आवरण मैक्सिमम मीथेन गैस से बना है, यह सबसे अधिक दूरी वाला भी ग्रह है और सबसे अधिक है ना कह लीजिए कि ठंडा प्रदेश वाला भी ग्रह है, इसको याद रखें क्योंकि जितना ज़्यादा दूर होगा इससे वो उतना ज़्यादा ठंडा होगा। बताओ अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो एक टॉपिक और छूट रहा है उसको कवर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो दिमाग से देखना भाई, यह सन है, सन के बीच में, सन और अर्थ के बीच में, अर्थ के बीच में अगर चंद्रमा आ जाते हैं, मून आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो उसे कहते हैं कि सन का जो छाया होता है, सूरज का जो छाया होता है, यह वाला जब मतलब मून का पूरा छाया पृथ्वी पे बनने लगता है, तो पृथ्वी पे से सन की कुछ भाग नहीं दिखाई देते हैं, तो उसे कहा जाता है भाई सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, इस बात को याद रखना है यह चीज़ें, क्योंकि सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखाई देता है पृथ्वी से, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब मून बीच में होता है, जब अर्थ बीच में आ जाता है, सन यहाँ पे होता है, अर्थ जब बीच में आ जाता है, मून यहाँ पे होता है,
तो जो मून होता है ना पृथ्वी से सन, अगर देखा जाए मून का कुछ हिस्सा ढका रह जाता है पृथ्वी से ढका रह जाता है, सूरज का जो प्रकाश होता है वह वहाँ तक नहीं जा पाता है, तो इसे कहते हैं चंद्रग्रहण कहते हैं। यह बात आपको कॉन्सेप्ट में याद कर लेना है। बताओ इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो कॉपी पे नोट कर लेना, इससे ज़्यादा प्रश्न आपके सुपर टेस्ट में नहीं आएंगे, लिखवा लो मुझसे, जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जीके जीएस से पढ़ते चलिए। बस धन्यवाद, शेयर कर दीजिए, आपका काम है लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करने का, बच्चों को जोड़िए, बाकी हम कंटेंट देते रहेंगे, मिला लेना अच्छे अच्छे कोचिंग से मिला लेना अपना कंटेंट, 1% अगर कम हो ना, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं करेंगे बेटा, इतना हम पूरा दावा ठोक के करते हैं, हर एक चीज़ में ढूंढ के लाऊंगा, बस आप पढ़ते चलो, अपनी संख्या जिस दिन बढ़ा लिए ना उस दिन बड़ा आनंद आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, बस संख्या बढ़ा लो, स्टेटस लगा लो, दोस्तों को बोलो जो कोचिंग में जाते हैं ना उनसे बोलो कि एक बार इनका कंटेंट देख लो, फिर उसके बाद आप खुद चीज़ें तय कर लेना कि बताओ वहाँ पे जहाँ पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, इनका देख लो उनके साथ कंपेयर कर लो, निश्चित बेटा मैं आपको बता रहा हूँ आधे घंटे में जितना दूंगा ना वो आपको 1 घंटे में देंगे या फिर उसने में भी कम पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें छुड़वा देंगे वो। धन्यवाद।